हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मद्रास क्लासेस। आज की डेट है 4 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल होगा वो एक्सरसाइज पिच ब्लैक के बारे में, दूसरा जो आर्टिकल है एक्सरसाइज विन बैक्स 2022, तीसरा ONGC पैरा गेम्स 2022, और चौथा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो अभी रिलीज हुआ है 2022 के लिए वो है, और पांच और जो लास्ट का आर्टिकल है उद्यम पोर्टल के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज पिच ब्लैक के बारे में। ये अभी क्यों न्यूज में आया, इसलिए न्यूज में आया क्योंकि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो 16 दूसरे नेशंस के साथ ज्वाइन करेगी इस एक्सरसाइज को, जिसका नाम है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। इसे कौन होस्ट कर रहा है, इसको होस्ट कर रही है ऑस्ट्रेलियन रॉयल जो एयरफोर्स है वो होस्ट कर रही है। तो 16 दूसरे नेशंस भी और इसमें इंक्लूड है, कौन कौन से नेशंस इंक्लूड है इंडिया की एयरफोर्स के साथ साथ वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए और इसके बारे में जानते हैं, एक्सरसाइज पिच ब्लैक के बारे में जानते हैं। ये बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल एक्सरसाइज का मतलब होता है साल में 2 बार कंडक्ट होती है। इसका काम यही है कि दो जिन जिनके बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट होती है ये आपकी उनके बीच में इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाता है और उनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो अच्छे रिलेशंस हो, सोशल रिलेशंस हो या आपके प्रोफेशनल रिलेशंस हो, उनको वो स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसको एक तरह की ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि अपनी नॉलेज को एनहांस करे और उनके जो दूसरे जो ये एक्सरसाइज होगी उससे जो एक्सपीरियंस मिलेगा उस एक्सपीरियंस से अपनी नॉलेज को एनहांस करके उनसे कुछ सीखे। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज को इसमें यही बताया गया, इसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो वर्किंग एयरक्राफ्ट है उनके थ्रू क्या है ये पूरा एक सिस्टम होगा, उससे बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाएगा, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ वर्क किया जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन जो नेवी का पूरा एनवायरमेंट होगा उसमें ये चीज कंडक्ट होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जो ये कहाँ पर कंडक्ट होगी, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे पूरी कंडक्ट होगी। ठीक है, और होस्ट कौन कर रहा है, होस्ट हमने पिछली स्लाइड में पढ़ ही लिया था कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसको कंडक्ट कर रहा है। अब कौन कौन से 16 नेशंस है, ठीक है इंडिया तो उसमें ही है, ऑस्ट्रेलिया तो हो ही गया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इंडिया, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई, यूके और यूएस, ये सब 60 नेशंस है, 16 नेशंस है जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब थोड़ी बायलेटरल एक्सरसाइज की बात कर ले, जो कि इंडिया के साथ एक्सरसाइज की होती है, जो एक ऑस्ट्रा इन इन एक्सरसाइज है जो कि आर्मी की एक्सरसाइज है। ठीक है, बायलेटरल है ये, एक्स ऑस्टिन इंडेक्स है, ओसिन इंडेक्स है, ये आपकी नेवी की एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्स से मतलब एक्सरसाइज हो गया, ओ से मतलब ऑस्ट्रेलिया, इन से मतलब इंडिया की होगी, डी 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 से मतलब डिफेंस हो गया और यहाँ एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो एक्स से मतलब एक्सरसाइज, तो ओस्त्रा मतलब आपकी ऑस्ट्रेलिया, इन से मतलब हिंदुस्तान या इंडिया। ठीक है, ये एक्सरसाइज मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइज जिसमें डिफरेंट कंट्रीज बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, जो मालाबार एक्सरसाइज है तो इसमें यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 कंट्रीज आपकी पार्टिसिपेट करती है। आगे बढ़ते हैं, अगली आर्टिकल भी हमारा एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज विनबैक्स 2022। विनबैक्स का मतलब है कि यहाँ पे कौन सा है आप बताइए जल्दी से, विन का यहाँ पे मतलब क्या है, ठीक है, और वी का मतलब यहाँ पे क्या है, इन का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है और एक्स का मतलब क्या है, इनका मतलब बताइए। ठीक है, तो अब आगे जानेंगे इसका मतलब, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं क्यों न्यूज में। देखिए, जो कि आपकी विन बैक्स एक्सरसाइज है उसका थर्ड एडिशन लॉन्च किया जा रहा है यहाँ पे, एक्सरसाइज विन बैक 2022। ठीक है, वी का मतलब है यहाँ पे वेनाथ, इन का मतलब है इंडिया, बी का मतलब है यहाँ पे बाइलेटरल, ए का मतलब है आर्मी और एक्स का मतलब है एक्सरसाइज। तो विन बैक्स एक्सरसाइज मतलब है वियतनाम और इंडिया के बीच में बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है, तो आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये कंडक्ट किया जा रहा है इंडिया में। ठीक है, इंडिया और वियतनाम दोनों ही आपके बीच में क्या शेयर करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस कोऑपरेशन को शेयर करते हैं, तो इसके तहत ये एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट की जा रही है, ये मेन की पिलर है जो कि इसके पार्टनरशिप में काम आते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप जिनकी वजह से स्ट्रेंथन होती है, ये मेन की पिलर है यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, डिफेंस में भी है और आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही। जो वियतनाम यहाँ पे क्या है, इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्टनर है, जो कि हमारा इंडिया की जो एक्ट
पॉलिसी है उसके तहत हम वियतनाम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और इंडो पैसिफिक रीजन में भी वियतनाम पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा एक ट्रेडिंग पार्टनर भी है, ठीक है, और हमारा कल्चरल रिलेशंस भी है, ठीक है। थीम इसकी ये थी कि एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी एंड मेडिकल टीम एज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कंटिजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है एक तरह की फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसका काम यही होगा कि ये एक तरह का दोनों के बीच में स्कोप बढ़ा देगी, ठीक है, स्कोप बढ़ा देगी, कोऑपरेशंस का बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे एक दूसरे के बीच, जो यहाँ पे ह्यूमेनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ डेमोन्स्ट्रेशन होगा, ठीक है। ह्यूमेनिटेरियन जैसे आपका कोई डिजास्टर आता है उसमें ह्यूमेनिटेरियन असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड की जा सकती है उसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। और जो इक्विपमेंट एक दूसरे के पास है, एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, आर्टिलरी गन जो भी है आपकी चीजें है, जो इक्विपमेंट है आपके, उनका आप तरह से एक तरह से डिस्प्ले होगा, ये इंडिया का शोकेस करेगा, तो इंडिया की कैपेसिटी को ये एक तरह से शोकेस करेंगे, ठीक है। एक तरह से रेस्क्यू और रिलीफ मेजर्स कैसे लेता है इंडिया, तो वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को अपने उसके साथ वियतनाम के साथ ये शेयर करेगा, ठीक है। तो यही है कि यहाँ पे बताया गया कि स्ट्रेंथन क्या रहेगा, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस को, इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाएगा, और यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस को ये शेयर करेगा, जो ये वियतनाम के जो पीपल वियतनाम की पीपल्स आर्मी है वो और इंडियन आर्मी, ये दोनों ही के बीच में ये एक्सरसाइज होगी, ठीक है। यहाँ से हम एक दूसरे से बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे कि सोशल और कल्चरल हेरिटेज एक दूसरे के बारे में हमें जानने को मिलेगा, एक दूसरे की कल्चरल और सोशल हेरिटेज के बारे में हमें जानने को मिलेगा। अगला आर्टिकल हमारा ONGC पैराग्राम 2022 के बारे में, ये क्या है, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ONGC क्या है, ठीक है, फिर पैरा गेम्स क्यों पैरा गेम्स इन्हें कहा जाता है, और 2022 क्योंकि 2022 में हो रहे तो इसलिए से 2022 में इंक्लूड किया गया। तो अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है क्या, चौथा एडिशन किसका, ONGC पैरा गेम्स का। ONGC की यहाँ पर फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये आपकी महारत्न कंपनी है जो कि आपका ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन करती है, उसमें डील करती है, ठीक है, इंडिया की स्टेट ओन कंपनी है। तो ये ONGC के पैराग्राम्स इनको वो किए जा रहे हैं, कंडक्ट किए जा रहे हैं, न्यू दिल्ली में कंडक्ट होंगे, ठीक है, इसका चौथा एडिशन है। अब ONGC पैराग्राम्स के बारे में जान लेते हैं, ये एक तरह का जो स्पेशल ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, जैसे कि आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो गए, ठीक है, उनको इंक्लूड किया जाता है, उनको इस खेल में पार्टिसिपेट करने को अलाउ किया जाता है, तो यहाँ पे एक तरह से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ताकि उनको ये फील ना हो कि हम किसी से कमतर है, ऐसा कोई फील ना हो। तो इसलिए जो PWD के पर्सन होते हैं, यानी कि आपके दिव्यांग जन होते हैं, उनको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, तो यहाँ पे यही बताई गई है। तो एक तरह से ये आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है ह्यूमन रिसोर्सिस का, जिससे कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है जो कि एनर्जी में वो कर रही है, एनर्जी के लिए परस्यूट कर रही है, एनर्जी में डील करके वो पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ पे यही बोला गया कि कौन कौन सी एनर्जी में परस्यूट करते हैं, जैसे कि मित्तल एनर्जी होगी आपकी, और क्या नाम आप ONGC होगी, गेल होगी, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड होगी, HPCL होगी, BPCL होगी, IOCL होगी, ये इस तरह की जो बड़ी बड़ी मिनी रत्न ओ नवरत्न मिनी रत्न महारत्न बड़ी बड़ी कंपनी है, महारत्न ही कंपनी है जाता, तो वो इसमें 8 जो ऐसी सेंट्रल जो ONGC ओएल एंड नेचुरल जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो इसका चौथा एडिशन है ONGC पैरा गेम्स का, जो कि कब से कब तक कंक्लूड होगा, कब से कब तक चलेगा, 2 से 4 अगस्त के बीच में चलेगा, जो कि अभी चल ही रहा है। तो अब इंटरनेशनल लेवल की बात करें, जो इसका फर्स्ट एडिशन 2017 में आपका वो किया गया था, कंडक्ट किया गया था, 120 ONGC PWD एम्प्लॉइज को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें कौन कौन से गेम, एथलीट्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और व्हील चेयर रेस इसमें इंक्लूड की गई थी। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है, व्हीलचेयर का ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम ONGC के बारे में जान लेते हैं कि ONGC क्या है। एक तरह की पब्लिक सेक्टर पेट्रोलियम कंपनी है, ठीक है, पेट्रोलियम में गैस में डील करती है। ONGC फुल फॉर्म हमने पढ़ ही लिया कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो अब ये जब कब ये वो बनी थी, देखो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रधानमंत्री थे, उस टाइम में क्या हुआ कि 1955 में इसकी क्या है फाउंडेशन रखी गई, जब उसका नाम क्या रखा गया था, ऑयल नेचुरल गैस डिवीजन रखा गया था। उस टाइम पे किसके अंडर थी ये, जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ये तब आती थी, ठीक है। और जब 14 अगस्त 1956 हुआ, इसका नाम बदल के ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन से नाम बदल के, ठीक है, 1956
इसका नाम बदला गया और 19 ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन इसका नाम रख दिया गया। पहले तो इसका ऑयल एंड गैस डिवीजन था, फिर इसका नाम रख दिया गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, फिर इसका 1994 में फिर नाम रखा गया, तब इसका नाम हो गया ONGC, सॉरी ONGC नहीं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन रख दिया गया, मगर अभी कॉरपोरेशन है यहाँ पे, जो कमीशन की जगह कॉरपोरेशन है, ठीक है। फिर कन्वर्ट क्या कर दिया, कॉरपोरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया इसको, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जानना जरूरी है कब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, किस चीज में डील करती है। 1997 में इसे नवरत्न का स्टेटस दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जबकि 2010 में इसे महारत्न का स्टेटस दे दिया गया था ONGC को, ठीक है। अब पैरालंपिक गेम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या पैरालंपिक गेम्स या पैरालंपिक गेम्स कह दो या पैरालंपिक्स कह दो, ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल इवेंट होती है, जो डिसेबल एथलीट्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इससे एक सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आता है, उनके जो क्या नाम, जो नजरिया होता है आम आदमी का, इनके जो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनके लिए बहुत सॉफ्ट हो जाता है, उनके लिए एक सिंपैथी आती है, उनके लिए एक मतलब एक प्राइड की भावना आती है कि ये भी लोग हमारे जैसे है, ये भी हमसे कम नहीं है, बराबर ही है, वैसे डिसेबल नहीं है, एक तरह से डिफरेंटली एबल्ड है ये, ठीक है। ये हर एक पैरालंपिक गेम, हर एक यानी कि जो होस्ट सिटी होती है उसमें ही आपका क्या नाम, ये कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। हर 2 साल में इसको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। समर में कंडक्ट किया जाता है, विंटर में कंडक्ट किया जाता है, इसलिए समर ओलंपिक्स भी होता है पैरालंपिक्स, और विंटर पैरालंपिक्स गेम भी होता है, ठीक है। ये ब्रिटिश के टाइम में क्या, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, जो वेटन था, 1948 में इसका पहला लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हुआ था, ठीक है, 21वीं सेंचुरी के टाइम में, ठीक है। जो पैरा ओलंपिक गेम हुआ था 1960 में रोम में हुआ था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अब अगला आर्टिकल हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में। देखिए अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो कंपोजिट इंडेक्स रिलीज किया गया है वो 31 मार्च 2022 तक का रिलीज किया गया है, ठीक है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल जो ईयर है वो 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाता है, इसलिए इसे किसने रिलीज किया, RBI ने रिलीज किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन रिलीज करता है इसको, RBI रिलीज करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, कोई भी इसकी इंटरनेशनल एजेंसी या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज नहीं करता है। तो इसमें ये बताया गया जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो इम्प्रूव हुआ है, ये 56.4 इम्प्रूव बढ़ के, मतलब ये 56.4 तक बढ़ गया, कहाँ से 53.9 से 56.4 तक ये बढ़ गया है। ये 2021 में 53.9 था, अभी ये 2022 में 56.4 हो गया। इसका क्या मतलब है, बढ़ने का क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके सब इंडेक्स कौन कौन से होते हैं, सब इंडेक्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, एक्सेसिबिलिटी, यूसेज और इक्वालिटी, इन तीनों में भी क्या है देखने को, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये कॉम्प्रेहेंसिव इंडेक्स है, इसमें किस किस चीज़ की डिटेल इंक्लूड की जाती है, बैंकिंग की, इन्वेस्टमेंट की, इंश्योरेंस की, पोस्टल की और पेंशन सेक्टर की, सब की जो डिटेल्स है वो इंक्लूड की जाती है, तब इंक्लूड करके इनका एक एनालिसिस किया जाता है, उनके एनालिसिस पे एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, जो तैयार होता है इंडेक्स उसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। इसको डेवलप किया गया था 2021 में, RBI ने डेवलप किया था, जबकि इसमें बेस ईयर इंक्लूड नहीं किया गया था, उसको पब्लिश किया था जुलाई में, पब्लिश किया जाता है हर साल, तो ये अभी क्या नाम पब्लिश किया गया है, ठीक है। इसका एम यही होता है कि जो ये मेजर करता है कि हमारे देश में कंट्री में कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसका रेस्पॉन्स क्या होता है कि कैसे हम मेजर करते हैं कि ईज ऑफ एक्सेस, किसी को भी जैसे बैंकों की एक्सेस है नहीं है, ठीक है, किसी का खाता खुला है नहीं खुला है, ये सब मेजर करता है। किसी को अवेलेबिलिटी है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल की जा रही है बैंक के द्वारा, नहीं की जा रही है, ठीक है। सर्विसेज का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है आम आदमी को, कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है, कि कोई सर्विस की जो क्वालिटी है सर्विस की वो बेकार है या अच्छी है, वो सब चीज़ें मेजर की जाती है। इसमें ओवर एंड ऑल की बात करें, 97 इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया गया, जो इसके पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स जो मेजर किया जाता है, एक्सेस हो गया, यूसेज हो गया, क्वालिटी होगी, उसका जो वेटेज है 35% एक्सेस का, 45% यूसेज का और 20% क्वालिटी का, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, यूसेज का है, कि यूसेज कितना ज्यादा हो रहा है इसका, ठीक है। अगर इसकी बात करें पैरामीटर, 100 से 100 के बीच में इसको मेजर किया जाता है, अगर इसका इंडेक्स वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब 0 इंक्लूजन है, यानी कि कुछ भी सारे इंडिकेटर बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इसका 100 आता है इसका मतलब सारे इंडिकेटर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस यही है
के लेवल ऑफ इंक्लूजन को बताता है कि आपका जो है ये क्या नाम फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमारी कंट्री में कितना लेवल है, ठीक है, उसको बताता है कि जितना ज़्यादा इंडेक्स ये रहेगा उतना ही इंक्लूजन ज़्यादा है, ये हमारी कंट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ है हर चीज़ में उसमें बताता है, और G20 जो इंडिकेटर्स है उनमें कितना ये फुलफिल करता है, कितना डेवलपमेंट उनमें देखने को मिला, कितना इम्प्रूवमेंट देखने को मिला उसके बारे में बताता है, और जो हमारे रिसर्चर्स है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के, तो उसके उनको भी इसे देख के बहुत मदद मिलती है, तो इसलिए वो अपनी रिपोर्ट को एक अच्छा बेहतर बना सकते हैं, अपनी रिसर्च को एक नया आयाम प्रोवाइड कर सकते हैं, ये चीज़ इसमें बताई गई है। अगला आर्टिकल हमारा उधम पोर्टल के बारे में, उधम पोर्टल क्या है कि अभी क्या है जो हमारी मिनिस्ट्री है जो मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs है उसने 1 करोड़ जो है आपके MSMEs को इसमें रजिस्टर्ड कर लिया उधम पोर्टल पे, ये ऑनलाइन पोर्टल है, ये इसमें 25 मंथ के अंदर ही ये सब काम किया गया, 25 मंथ का मतलब 1 साल 1 महीना, वो सॉरी 2 साल 1 महीने के अंदर ये इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया गया है, ठीक है। उधम पोर्टल के बारे में जान लेते हैं, इसको 1 जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था, ये ऑनलाइन सिस्टम है कि MSMEs को रजिस्टर करते हैं, जो हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है छोटी छोटी कॉटेज फैक्ट्री है उनको ये ऑनलाइन रजिस्टर करता है, ताकि हमें पता लगे कि हमारे इंडिया में कि MSMEs का स्तर कितना है, कितनी हमारे इंडिया में MSMEs है उनका टर्नओवर कितना है, कितने उनके अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनकी जो हेल्थ है वो दुरुस्त है नहीं है, तो ये सारी अगर इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास होगी तो उनके उत्थान के लिए उनके इम्प्रूवमेंट के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए अच्छी तरह से स्कीम चलाई जा सकती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है जो उनके ग्रीवेंसीज है उनका रिड्रेसल अच्छा आसानी से किया जा सकता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा ही एक तरह का पोर्टल बनाया है मिनिस्ट्री ने, तो इसमें क्या क्या है ये किस किस इनके डाटाबेस को लिंक करता है, जो आपका CBDT है यानी कि सेंट्रल बोर्ड और डायरेक्ट टैक्सेस वहाँ पे जो डाटा होता है उसको लिंक करता है उधम पोर्टल से, और जो आपका GSTN है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है उस पर जो डाटा होता है उसको भी ये लिंक करता है, क्योंकि यहाँ पे GST से मतलब यही है कि आपका जो टैक्स पे ही है, अब जितने लोग MSCs में टैक्स पे ही कर रहे होंगे तो वो अगर यहाँ से पता लग जाएगा ना यहाँ से लिंक होगा तो अब वो जो डायरेक्ट टैक्सीज है सेंट्रल बोर्ड में जो डायरेक्ट टैक्सीज है यानी टैक्सी से रिलेटेड जो भी चीज़ें है वो यहाँ पे लिंक हो जाएगी उधम पोर्टल से, ठीक है। ये इसमें क्या है कि आप जाके फुल्ली ऑनलाइन है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से तो अपनी MSMEs को रजिस्टर कर सकते हैं, इसे एक दो चीज और फालतू यहाँ पे बताई गई है क्या नहीं एक्स्ट्रा चीज बताई कि यहाँ से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी हमें पता लगता है, अगर MSMEs का इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे देश में MSMEs बढ़ रही है, इसका मतलब और भी ये हुआ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हो रहा है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि हम जो है जो उधम पोर्टल जो है उस पे जो रजिस्ट्रेशन है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उनके बेनिफिट्स को हम यूटिलाइज किया जा सकते हैं, स्कीम्स को यूटिलाइज करके बेनिफिट्स लिया जा सकता है MSMEs के द्वारा। इसमें यही है कि मिनिस्ट्री का जो मेन फोकस है कि इनका लैंडिंग सेक्टर पर फोकस है कि इनको लैंडिंग की जाए यानी कि बैंकों से इनको लोन मिल सके ताकि ये अपनी MSMEs को उभार सके, ठीक है। तो अब नए इनिशिएटिव क्या क्या लिया कि जो हमारी MSMEs मिनिस्ट्री है उसने MOU साइन किया किसके बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बीच में और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के बीच में, उधम पोर्टल पे जो डाटा है उसके साथ इसे लिंक कर दिया है, तो ये एक इनिशिएटिव लिया है। डिजी लॉकर को भी इसके साथ रजिस्टर्ड किया गया, उधम पोर्टल के साथ रजिस्टर्ड किया गया, तो ऐसे कुछ स्टेप उठाए गए MSMEs को इम्प्रूव करने के लिए, उनको उत्थान करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन, इस डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।